ये लंबी हाइट वालों को ये दिक्कत है भाई। देश पे बहुत पैसा आ चुका है, वॉल्वो ही पुल चल रही है बता। वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो अभी सुबह के 4:30 हो रहे भाई, और आज हमारा प्रोग्राम बन रहा है हरी के द्वार जाने का, नहीं हरिद्वार जाने का, तो गंगा जी की नगरी में जाने का। तो चलते हैं अभी, पंकज और मैं जा रहे हैं, बाकी रेडी हो चुकी अपना बैग पैक वो कर ले। चश्मा मतलब ये पंकज आया था अभी हिमाचल गया था बीच में रिसेंटली, चश्मा मैंने पहन के देखता हूँ कैसा है, बाकी वही पहनेंगे अभी तो सुबह सुबह कौन पहन रहा है अंधेरे में। तो चलिए करते हैं व्लॉग किस तरह। चल तो हो चुके भाई रेडी, और अब चलते हैं अपना। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो चलिए निकलते हैं। सोए पंकज जा रहा है चश्मा पहन के, कुत्ते ऊपर से भौंक रहे। कौन आ गया विदेशी प्राणी। ये देखो। सुबह यहाँ से जा रहे हैं, सी ऑफ करने आ गए हमारे गलिए कुत्ते हमको। बाकी यहाँ से जाना है अब हमने दिल्ली को, दिल्ली से अपना हरिद्वार की बस पकड़ेंगे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, बाकी सोच रहा हूँ वॉल्वो में जाएं, देखते हैं वॉल्वो में फर्स्ट टाइम अपना एक्सपीरियंस मिलती है कि नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग जो मिलेगी उसमें चल जाएंगे। पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट, और यहाँ सामने अपने आगे की तरफ को लगी हुई है वॉल्वो, तो सोच रहे उसी में चलते हैं। वॉल्वो में चल रहा है ना, आ जा खर्चा करते हैं थोड़ा, देखते हैं कैसा है। तो घूम के आ रखे पहले ये री ऋषिकेश वाली में जाएगी ना हरिद्वार, पूछ ले। चल पूछते हैं। सुबह उत्तराखंड परिवहन निगम की है बस वॉल्वो की, पूछ ले। सुबह देश पे बहुत पैसा आ चुका है, वॉल्वो ही पुल चल रही है बता। तो हमने कही यार चलते हैं एक बार देखते हैं क्या है, मतलब कहीं हमने अंकल है सीट कर नहीं फुल पड़ी है, तो सारे के सारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में हो गई। उत्तर प्रदेश अब टाइमिंग नहीं है ना, वॉल्वो पूछ रहे हैं इनको, पूछ काउंटर पे। तो भाई वॉल्वो तो मिली नहीं, अब इसी में जाना पड़ेगा, यही है फिलहाल चलती जो मतलब चालू है अभी जाने को हो रही है, तो चलते हैं। तो भाई ये वाली बस भी फुल निकली बताओ यार, मतलब तगड़ा सीन हो रहा है, अब इसमें जाना पड़ेगा, इसमें सीट है तभी तो। चल ये वाली में चलते हैं। ये कितने बजे की है? ये नहीं बैठ के भाई अपना बस में, और क्या मस्त वॉल्वो मिली भाई। सीटी नहीं आज भाई, पता नहीं सारी फुल चल रही है हरिद्वार की बस, पूरी लग्जरी बस होगी। कंडक्टर आने वाला है, टिकट लेने हम सोच रहे उससे उल्टा पैसे मांग ले यार। हाँ ये जो पैरों को मसाज कराने पड़ेगी उसके पैसे कौन देगा, उल्टा हमको लेने बचते ऐसे। बस में सीट नहीं थी, कंडक्टर गेट खोल के अंदर घुसा है बंदे, फिर कह रहा सीट खाली नहीं है। सही में एंटरटेनमेंट बढ़िया हो रहा है इसमें। छोटा हुए 9:30, और अभी एक रुके हैं गाँव के, जो भी है नाम मिल गया कुंडा खास, बाकी सही बता रहा हूँ मतलब जो अब सहन मिला ना हमको बाहर निकल के बस में, इतनी मतलब कहता अनकम्फर्टेबल है, बट ठीक है मजबूरी हो रखी थी यार कि एक बस चल रही थी, चलती बस में बैठ के हम सीट गिन देगी। कैसा लग रहा बस में? बहुत बढ़िया, वो लोगों का फील आ रहा है स्लीपर सोते हुए आ रहे हम। सो फाइनली हो गया भाई बस स्टार्ट, और कंडक्टर अंकल मस्त है, पूरी गिनती कर रहे हैं, पूरे गिन रहे कितने बंदे थे कितने हैं, होना भी चाहिए सही बात है ना, जिम्मेदारी होनी चाहिए। बस वाला भी बिठा लिया देखते हैं ज्यादा हो गया कहीं उतर। सो फाइनली पहुंच गए हरिद्वार, तो अब जा रहे हैं हम यहाँ से अपने बुआ जी के यहाँ पे, क्योंकि यहीं पे रहते हैं हरिद्वार में, अपना स्टे है जो यहीं पे रहेगा 2 दिन का। बाकी चलते हैं, पंकज को पता है रास्ता, लेके चल रहा है मेरे को। सो हरिद्वार में उतरते गंगा मैया के दर्शन कर लो यार आप भी, जय हो गंगा मैया की। क्या मस्त लग रही है, मतलब भाव देखो कितना तेज है, बढ़िया सेफ्टी के लिए बढ़िया लगा रखे हैं ब्लू वाले पूरी तरह। सुबह हरिद्वार आते ही कैन मिलेंगे आपको गंगा जल भरने के लिए, देखो दुकानें लगी हुई हैं, बाकी गाइड हमारा आगे चल रहा है, और इधर मंदिर भी मतलब नीचे इधर भी है, इस साइड में मंदिर है, उस साइड मंदिर भी बहुत है भाई। तो भाई गवर्नमेंट क्वार्टर यहाँ पे आ गए, तो यहीं जाना हमने बुआ जी इनके यहाँ पे अपने, तो पहुँचलते हैं भाई अपना, और उसके बाद कुछ खाते हैं पीते हैं। सो भाई हमने इतने बेसर में हम सीधे सीधे घर को जा रहे थे बुआ इनके, हमने कहा यार कुछ ले जा रहा था भूल गए, मम्मी ने गई थी वहाँ से ले लेना कुछ फ्रूट फ्रूट ले जाते टाइम ले जाते हैं ना घर पे, तो भाई साहब दिमाग में उतर गई बिल्कुल ना, इधर व्यू देख देख के हम तो सीधा देखो सामने सिर्फ पहाड़ हैं, तो ऐसे व्यू देख के एकदम से दिमाग में उतर गई, ये भी सीधा चल रहा है और मैं भी सीधा चल रहा हूँ, इसने याद दिला दियो तो यार अजीब सा लगता है ऐसे जाने में ना खाली यार। भाई पहले तो ऐसा था ना चलो नौकरी नहीं करते थे यार जॉब वाले बंदे हो गए थोड़ा मतलब खुद को अजीब सा लगता है इन चीज़ों में ना, अब हम बड़े हो गए। हेलो सो फाइनली आ गए भाई अपना सामान लेके, अब चलते हैं, मतलब अब ठीक लग रहा थोड़ा एक अच्छा ना, पहले अजीब सा हो गया था। चल फिर कितनी दूर है? अच्छा यहीं पर, चलो चलते हैं भाई। सो फाइनली पहुँच गए भाई
ये अपने बुआ जी का घर, और ये सामने देखो यहाँ परली साइड गंगा जी है। मुंह क्या गया बताओ गंगा जी, अरे पक्का पता नहीं, यहाँ ये रहना डीएन जोशी जी। चलो दिखा है। सुबह हरिद्वार में पूरी गर्मी हो रही है, मतलब धूप अच्छी तेज है, बाकी यहाँ पक्षियों की आवाज आ रही है अलग अलग तरीके की ना। इस तरह पेड़ है थोड़े, इस टाइप में बैठे इन पे, इधर बैठे और हरियाली अच्छी है, और सामने गंगा जी यहाँ से मतलब सामने ही लगा लो थोड़ा, एक पहाड़ सा उठ रखा वरना आगे, तो मतलब मस्त लोकेशन पे है वो इनका घर हमारे यहीं पे। सही है, मैंने कहा थोड़ा बाहर घूमता हूँ, भाई गर्मी हो रही है, चलते अंदर। तो टाइम हो गए शाम के 4, शाम के या दिन के ही लगा लो, धूप है अभी। तो अभी चलते हैं यहाँ से, गाड़ी उठाएंगे एक दोनों में से और अपना घूमने निकलेंगे इधर ही आसपास कहीं। तो प्लान बन रहा है हम सबका जाने का, तो देखते हैं कहाँ घुमाते हैं इधर ही। जिया जी भी आ रखे हैं और बुआ का लड़का है, सब है मतलब। और दिल्ली में अन्नू देखा होगा अपने चाचा का लड़का, सभी हैं। बाकी एक चीज़ ये मस्त है, आम लगने शुरू हो गए देखो पेड़ पे, घर के सामने आम का पेड़ है, मस्त आम लग रहे हैं यार। यहाँ हाइट छोटी रह गई मेरी थोड़ी सी, बाकी देखो दिख रहे होंगे, सही हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं भाई, i20 निकालते हैं भाई अपना है, गुजरात में मिले हो गया भाई से। भाई के लिए तो एक तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ता है यार वीडियो बनाने को। चल मैं तो आगे बैठता हूँ यार, वीडियोग्राफर हूँ मैं। और दूसरा लौंडा ये है, इसको तो आप मिलते रहते होगे वीडियो में ना। सुबह भी आ रखे प्लॉट देखने के लिए बुआ इनका, कौन से वाला सबसे आखिरी आखिरी कौन सा है, राइट वाला जो बन रहे। अच्छा, सो ये है भाई अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको समझा भाई थोड़ा सिविल इंजीनियर को अच्छे समझाइए हैं। सो ये अभी तो लेंटर हो गया, अभी सारा ऊपर है। अच्छा ओपन है, हाँ ठीक है, हाँ ये सही है ओपन। तो भी चलते हैं भाई वापस घर को, फिर वहां से निकलेंगे जिया जी के साथ घूमने पे। चलो तो चलते हैं भाई, वो आप भी चल रहे हो, आ जाओ। चलो जी सभी आ चुके हैं भाई यहाँ पे, संदूक अपना खोल लिया है और मस्त मौसम हो रहा है यहाँ पे। तो ऋषिकेश की तरफ जा रहे हैं स्लोली स्लोली, साइकिलों के बीच कर दो ओवरटेक। सब नदियाँ सूखी पड़ी है भाई, पत्थर ही पत्थर है इस साइड में, गंगा ही ढंग से नहीं आ रही लग रहा अभी। ये लंबी हाइट वालों को ये दिक्कत है भाई। निकल गया पूरा, चल बेटी ज्यादा हाइट बेकार है ना, बेचारे कमर दुख गया। अब अन्नु का नंबर चल रहा है, तू तो कम हाइट का है। अरे पैर पे क्यों बैठ रहा है, ये इसकी हाइट ठीक है पूरा।